नमस्कार, मैं नीरज गुप्ता बागपत और आप देख रहे हैं लाइव लोकवाणी न्यूज चैनल। मेरे सहयोगी प्रदीप कुमार के साथ खेकड़ा से आज हमारे साथ जो खास मेहमान है वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, बल्कि एक शख्सियत है अपने खेकड़ा जनपद बागपत की। नाम है सुशीला सिंगल, जो कि भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रही है। अब वो फिलहाल पूर्व में जो है अपना जिला अध्यक्ष की भूमिका में कार्य कर रही है, रह रही है। इनसे जानेंगे इनके बारे में। आइए जी, आपका नाम? मेरा नाम सुशीला सिंगल है और मेरा जो जन्म हुआ है वो संघ परिवार में हुआ है जी। मैं अग्रवाल मंडी टटेली के जो मामचंद चेयरमैन थे और जो संघ के बहुत ही बड़े कार्यकर्ता थे, मैं उनकी बेटी हूँ। और तो मेरे जीवन में ये कहिए कि कूद कूद कर संघ भरा हुआ है, इसलिए मैं पार्टी में कार्य करती हूँ। मेरा पूरा परिवार भाजपा को समर्पित, भाजपा को समर्पित है। हाँ जी मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जिस तरीके से आपने कहा कि भाजपा से समर्पित है, आप 3 साल महिला मोर्चे की जो है जिला अध्यक्ष रही हैं और अच्छा कार्य आपका रहा है, इसके बावजूद फिर आपको क्या कारण रहा आपके सामने जो आपको इस्तीफा दे? मैं भाजपा की जिला अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं पदों पे तो बहुत में रही हूँ, मैं प्रांत सदस्य भी रही हूँ, दुर्गा वाहिनी में भी रही हूँ, पदों में तो मैं बहुत ज्यादा रही हूँ। मैंने इस वक्त जो इस्तीफा दिया था उसका मेन कारण हुआ कि हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के साथ में बस सलूकी प्रशासन के द्वारा तो उसमें उनकी सुनी नहीं गई। और देखिए, मैं जिले की अध्यक्ष होने के नाते और यदि मेरे जूनियरों की नहीं सुनी जाएगी उसको देखते हुए मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ, मेरा सभी सम्मान करते हैं और मैं ये जानती हूँ कि वो अब भी सभी का सम्मान करते हैं, अब भी मुझसे वो अपेक्षा रखते हैं कि मैं कार्य करूं और कार्य करूंगी भी है। लेकिन थोड़ा सा प्रशासन जो है हमारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा कर रहा है, इस वजह से मैंने इस्तीफा दिया। यानी कह सकते हैं एक तरीके से प्रशासन की मनमानी रवैये के चलते आपने कार्य किया है जी, लेकिन आप पार्टी से बिल्कुल भी विमुख नहीं हूँ और ना ही कभी होंगी, क्योंकि मेरा तो जन्म अधिकार है इस पार्टी में रहने का भी और रहूंगी हमेशा से। रहेंगे आप जी। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, बागपत, बड़ौत और छपरौली 3 सीट हमारे यहाँ से है उत्तर प्रदेश में जी। इसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 3 सीटों पर कब्जा बरकरार रखने में कामयाब हो पाएगी, तो क्यों? हाँ, हमारी 3 सीट भाजपा की होंगी, क्योंकि इन्होंने जीत तोड़ के यहाँ वर्क किया है। इतना वर्क आज से पहले कभी नहीं हुआ जी। हमारे सांसद जी हैं, वो इतना वर्क कर रहे हैं पहले किसी भी एमपी ने नहीं किया। और हमारे जो विधायक हैं वो भी बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, हर एक के दुख में सुख में हमेशा सामने खड़े रहते हैं। आप एक बार आवाज लगाकर तो देखिए किसी भी विधायक को, वो तुरंत यहीं पाएंगे जी। तो इसलिए जो तन मन धन से जन की सेवा करेगा लड्डू तो वही खाएगा। बहुत अच्छी बात की आपने, बिल्कुल बताइए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि लड्डू तो वही खाएगा जो जनता की सेवा करेगा। आपकी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं? हाँ जी। कोई ऐसा कार्य बताइए जो जनपद बागपत के इतिहास में लिखने लायक का ऐसा कार्य हो जो लिखा जा सके, क्या हो पार्टी के द्वारा किया गया? नहीं, कौन सा कार्य ऐसा है जो ना किया हो, वो पूछिए ना मेरे से। मेरे तो पार्टी के सब कार्यकर्ताओं ने सारे ही काम अच्छे किए हैं और सारे ही विधायकों ने काम अच्छे किए हैं। मुझसे ये पूछिए कि कौन सा मेरे पार्टी के कार्यकर्ता ने काम नहीं किया या कौन से विधायक ने काम नहीं किया, वो पूछिए, उसका जवाब दूंगा। नहीं, लोगों का ये कहना है कि कोई भारतीय जनता पार्टी जो है कोई भी किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं किया है, या फिर जैसे अभी आपके जो है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव है, बसपा सुप्रीमो मायावती है, वो भी अपना जो है दावा पेश कर रही है उत्तर प्रदेश में, ब्राह्मण कार्ड जो है एक तरीके से सामने ला रहे हैं, सब लोग ब्राह्मणों को लुभावने का कार्य किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वोट बैंक की राजनीति की जा रही है क्या कुछ? देखिए, कोई कुछ भी कर ले, सबको पता है, सबके दिलों में पता है कि भाजपा ने क्या काम किया है। देखिए, महिलाओं के लिए, वुमनों के लिए, जो सब लोग कहते हैं जो समाजवादी पार्टी है, वो ये कहती है कि वो मेरी है, कांग्रेस कहती है वो मेरी है और बसपा कहती है वो मेरी है, लेकिन हमारे मोदी जी ने ये नहीं कहा कि वो मेरी है। उन्होंने काम करके दिखाया कि जिससे वे हमारे बन गए, महिलाओं का ट्रिपल तलाक है, मकान दिलवाए, तो आप ये देखिए इस खेकड़ा में
95% मोमजनों के मकान मिले हैं। ये बात बिल्कुल नोट करने वाली बात है, आंकड़ों के साथ इस बात को बिल्कुल। ये देखिए जो फ्री राशन कार्ड देना, राशन दिलवाना, अधिकांश मोमडन है और महिलाओं की कोई भी आप एक्शन लीजिए सबसे पहले आगे। अब देखिए हमारे केंद्र में 11 महिलाएं मंत्री बनाई जी बिल्कुल, तो महिलाओं का जहां सम्मान होगा तो महिलाएं तो वहां जाएंगी, मानोगे कि नहीं? आज से पहले किसी भी पार्टी ने इतना सम्मान महिलाओं को नहीं दिया, महिलाएं तो इसलिए भी सबसे आगे हैं और भाजपा का तो काम ही अलग है। अब तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी भारतीय जनता पार्टी के, जैसे चुनाव आ रहे हैं आपकी तरफ से आपके कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के क्या? तन मन धन से भाजपा का कार्य करेंगे और भाजपा को जिताएंगे, जीतेगी तो है ही। देखिए जैसे एक महल को बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता पड़ती है और उसमें हमारी सारी ईंटें भाजपा को रहेगी। अभी सुनने में आ रहा है जैसे अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी आए थे बागपत जनपद में, तो वहाँ कुछ कार्यकर्ता या कुछ लोग वहाँ उनसे नहीं मिल पाए, बड़ौद में एक जैन साहब है वो भी जो है नाराजगी बताई जा रही है, और खेगड़ा में भी कुछ युवा जो कार्यकर्ता है उनकी नाराजगी बताई जा रही है, इसको देखते हुए आपको क्या? देखिए योगी जी आए थे इसी मकसद से आए थे, जो आपका वैक्सीन वगैरह है और कार्य को देखने के लिए आए थे, उसमें सभी कार्यकर्ता जाने उनका प्रोटोकॉल होता है हम लोगों का, किसको कहाँ जाना है, ये सारे हमारी जो कमेटी है वो सेट करती है। अब मेरी माने सपोज करो मैं जिले की अध्यक्ष हूँ और मेरी सारी टीम वहाँ जाके खड़ी हो जाए तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो ये नाराजगी 2 मिनट की है, खत्म हो जाएगी। और वैसे हमारा ऐसा कोई नाराजगी नहीं है हमारे कार्यकर्ताओं का कि वे हमेशा नाराज रहेंगे, जिस टाइम वोट पड़ेगा चुनाव आएंगे तन मन धन से सब लग जाएंगे, कोई नाराजगी नहीं है, आप नहीं करते हैं इस प्रकार। जी हाँ, चलिए कोई भी कार्यकर्ता, आप सुन रहे थे पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा जो कि सुशीला सिंघल जी और खेकड़ा से हैं, साफ साफ कह रही हैं कि इस प्रकार की कोई भी नाराजगी पार्टी में नहीं है और यदि कोई है भी तो उसको जो है मना लिया जाएगा, समझा लिया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।